अल्लाम वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास आई एम मिर्सा योर फिजिक्स इंस्ट्रक्टर फ्राम टिटोरी डॉट पी के एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट चपेटर दैट इज अटोमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स हम इस चैप्टर में ऐटम्स को काफ़ी डिटेल में देखेंगे हम देखेंगे कि ऐटम क्या होता है इसके अलावा ऐटम से निकलने वाली चीज़ें जो कि हमारे पास आइसोटॉप्स कहलाती हैं वो क्या हैं ठीक है आपको पता है कि नाइनटीन इलेवन में एक साइंटिस्ट रदर था उसने एक इन्वेंशन की न्यूक्लियस की यानी कि उसने बताया कि एटम का जो मेन कंसनट्रेटेड पार्ट है उसके मास का वो हमारा न्यूक्लियस है विच इज़ कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हम इसके अलावा इस चैप्टर में रेडियो एक्टिविटी रेडियो एक्टिविटी के साथ साथ हाफ लाइफ हाफ लाइफ के अलावा न्यूक्लियर रिएक्शंस और हम फ्यूजन एंड फ्यूजन रिएक्शंस को देखेंगे तो आए स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक जो कि है एटम्स एंड अटोमिक न्यूक्लियस मैंने आपको बताया कि हमारे पास ऐटम जो होता है ना वो मिलकर बना होता है प्रोटोन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से अब इसका जो प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन है वो हमारे ऐटम के सेंट्रल पार्ट में एग्जिस्ट करता है जो हमारे पास उसका कंसनट्रेटेड पार्ट भी कहलाता है यानी कि हमारे पास मैथ ज़्यादा

आए अब इसके जरिए हम एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं कि कैसे हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स निकालते हैं अगर हमारे पास एक एटम डिफाइंड स्टेट में हो एटम की डिफाइंड स्टेट यही होती है कि हमारे पास एक एक्स होता है और उसके टॉप पे ए और नीचे जेड हमारे पास अटोमिक नंबर होता है ठीक है जी आप इस सिंबल से देख सकते हैं कि जो उसका अटामिक नंबर जेड है वो सिक्स है और हमारे पास जो अटोमिक नंबर होता है वही हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होते हैं तो अटोमिक नंबर इज इक्वल नंबर ऑफ प्रोटोन जो कि हमारे पास सिक्स हैं देन हमारे पास है अटोमिक मैथ ए जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स जो टोटल है हमारे पास वो नंबर है थर्टीन आपको ये बात पता है कि हमारे पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स सिक्स हैं तो इसका मतलब ये है कि टोटल थर्टीन थे तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन हमारे पास सेवन होंगे हमने इसमें फ़ाइंड द नंबर ऑफ़ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ही निकालने थे तो यूँ आपने देखा कि अगर हमारे पास एक सिंबल गिवन होगा न्यूकलाइट का तो हम उसमें कैसे अटोमिक नंबर और इसके अलावा नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को फाइंड कर लेंगे और अब आप, आपसे इसने यही पूछा कि हमारे पास क्या चीज़ थी तो अब देखें तो ये सी है कार्बन कार्बन का हमारे पास जो ऑटोमिक नंबर है वो सिक्स है जबकि ऑटोमिक मैस की थर्टीन है ठीक है अब इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है आइसोटॉप्स आइसोटॉप्स क्या चीज़ होती है आइसोटॉप्स हमारे पास एक ऐसे एलिमेंट हैं जिनके हमारे पास सेम ऑटोमिक नंबर होते हैं लेकिन उनका जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन उनके अटोमिक मैस डिफरेंट्स होती हैं अब इसकी डिफाइन भी ऐसे किया जाता है कि आइसोटॉप्स आर द आइटम्स ऑफ एन एलिमेंट विच हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन दर न्यूक् ठीक है

न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है और इसके अलावा वो एलिमेंट जिसका सेम अटोमिक नंबर हो लेकिन उसके अटोमिक मैथ डिफरेंट हो यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फर्क हो एक दूसरे से तो वो हमारे पास आइसोटॉप्स कहलाता है